मनरेगा कानून के तहत कार्य समाप्ति के 15 दिन के अंदर मजदूरी का भुगतान हो जाना चाहिए, परंतु बहुत ही अफसोस की बात है कि वाराणसी जनपद के चोलापुर ब्लॉक के भरतपुर गांव निवासी कन्हैया सहित कुल 50 मजदूरों का 35 दिन की मजदूरी 8,750 रुपए 2 साल से बकाया है। हम लोग मनरेगा में काम किए हैं 50 मजदूरों ने, जोने में किसी का पैसा मिला ही नहीं है। अब बताइए, इतना धूप में हम लोग काम किए हैं, पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग खाएंगे क्या? पूरे 2 साल के ऊपर जा रहा है, इतना धूप में, पानी में, बारिश में, कैसे कैसे हम लोग काम किए हैं। और 50 मजदूरों का 35 दिन का बाकी है मजदूरी, और मिला नहीं जो नौन, और हम लोग बोलते हैं तो प्रधान जी और जो काम कराने वाला है वो बोलता है कि कुटुंब रजिस्टर ख़त्म हो गया, गड़बड़ा गया, हरा गया। और 6 महीना हम लोग सीटी बजाए हैं ये रोड के पैखाना का लेकर के, और पैखाना भी नहीं बना, और हमारा हम लोग का 6 महीना का मजदूरी भी नहीं मिला। और कहाँ कहाँ मनरेगा के तहत काम किए थे? और हम लोग किए हैं पाराडी में, किए हैं भरतपुर में, किए हैं नाली काम किए हैं, और गड्ढा खुदाई हुआ है, पोखरा खुदाई हुआ है, खेत में भी खेत बना है, जौन हो जैसे ऊसर है उसको निकाल करके बाहर में फेंकाई हुआ है, यही सब समस्या है। तो क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का मजदूरी मिले और हम लोग के काम मिले, हम लोग काम करेंगे। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूं कि आप चोलापुर वीडियो के मोबाइल नंबर 9454-4652-88 पे कॉल करके दबाव बनाएं, ताकि मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान हो सके। मैं शबनम, वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।